नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुंवर धैर्यपाल सिंह नरपत सिंह। पिछले 2-3 दिन से सुर्खियों में एक न्यूज़ छाया हुआ है, पेगासस स्पाइवेयर प्रोजेक्ट, सर्विलेंस स्कैंडल, स्नूपगेट हैकिंग वगैरह। आप ऑफिशियल सोर्सेज चैनल या लोगों से इसके बारे में जान सकते हैं। मैं इसके संदर्भ में मेरी बात करूँगा, जो मेरे दिमाग में ख्याल उसको आपके समक्ष रजू करूँगा, देश के संविधान को भी सापेक्ष में रखते हुए। तो भाई, ये एक जासूसी तो है, मतलब कि छलावे से दूसरे के मन को जानने की बात है, इल्लीगल बात है, गलत बात है। अब बात जो है वो, या प्रश्न जो है वो मन की बात से जुड़ा है। मन की बात करने की इच्छा होती है हर एक को, पर जब किसी के मन में दूसरे के मन की बात जानने की प्रबल इच्छा हो जाए, उसके रहस्य जानने की, मोबाइल के रहस्य जानने की, तब ये पेगासस स्पाइवेयर प्रोजेक्ट नाम की घटनाएं या वारदातें अंजाम लेती है। तो कौन मदद करता है इसमें? इसराइल में कंपनी बनी जिसका नाम है NSO ग्रुप। उसका काम है सर्विलेंस करना, यानी कि निगरानी रखना। अच्छा, NSO तीनों लेटर उसके जो तीन संस्थापक थे, कंपनी को बनाने वाले लोग थे, फाउंडर थे, उनके नाम से लिए गए हैं। हालांकि N वाले व्यक्ति ने तो 1 महीने में रिजाइन कर दिया, पर फिर भी बाकी लोगों ने उनका नाम नहीं निकाला, उनके साथ ऑनेस्टी रखी है, गद्दारी नहीं की है। ये भी एक नोधनीय बात है। तो NSO का दावा क्या है पता है आपको? वो कहते हैं कि भाई, हम तो भी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? तो क्राइम जो है या टेररिज्म जो है, उसके सामने लड़ने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और जो ऑथोराइज गवर्नमेंट रहती है जिस भी देश की, हमारे क्लाइंट है, उनको हम मदद करते हैं। सो इट्स अ ग्लोबल वीपन, ये एक टूल है जिससे टेरर और क्राइम के अगेंस्ट में हम मानव जात के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर फोरबिडन स्टोरीज और अमनेस्टी इंटरनेशनल नाम के जो ग्रुप है, संस्थान है, उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है, ये लोग स्पाइंग करते हैं। किसका स्पाइंग करते हैं? तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट है, डिसिडेंट्स लोग जो है, मतलब सरकार के खिलाफ जो लिखते बोलते लोगों को जगाते, उनके डेटा भी ये स्पाई करते हैं। और ऐसे लगभग 50,000 लोगों का रिकॉर्ड भी इनके पास है, फ़ोन कॉल्स वगैरह। तो डिसेंटर्स का जो डाटा है वो बड़ा महंगा है ना? आपको अगर बताऊं संक्षिप्त में, तो अपने मन की बात करने की कीमत तो होती है, पर दूसरे के मन की बात जानने की ज़्यादा कीमत है। जैसे कि इसमें बताते कि 50 लोगों का लाइसेंस लेना हो ऑथोराइज डेटा से, तो $80 लाख यानी कि 60 करोड़ के आसपास कीमत होगी सर्विलेंस की। दूर बैठे बैठे सर्विलेंस हो जाता है, रिमोट सर्विलेंस। उससे मतलब ऐसा माने कि ये पेगासस का मतलब क्या है पता आपका? कि पंख वाला देवी घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा, जैसे हमारे मिथोलॉजी में है जटायु का एक कैरेक्टर आता है, उड़ने वाला पंखी, बात करने वाला, उसी तरह ये उड़ने वाला दैवी घोड़ा, उसकी बात हो रही है। तो और पेगासस ने जो सॉफ्टवेयर बनाया ये सब जानने के लिए, तो इसलिए उसको बोलते हैं स्पाईवेयर, जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर। इससे क्या होता है? तो कहीं भी बैठे हुए आपका जो स्मार्टफोन रहेगा, उसका कॉल, मैसेज, चैट, ईमेल, डेटा, माइक्रोफोन, आपके अंदर के जो कोई भी डाटा रहेगा, फाइल, वो निकाल के कॉपी कर सकते हैं, कोई भी उसको मॉनिटर कर सकता है। इतना ही नहीं, कोई एविडेंस या कोई अलग फाइल इम्प्लांट अंदर प्लांट भी कर सकता है, मतलब ज़्यादा डेंजरस है। आपके मोबाइल में कैसी चीज़ डाल दी जाएगी आपको पता ही नहीं, और जो आपके अगेंस्ट में एज एविडेंस यूज़ हो सकती है, ऐसा भी दावा मैंने पढ़ा। तो इसके यूज़ भी है और गलत यूज़ भी है। तो दूसरे के मन की बात जा सकती है, पर जब भी इल्लीगल तरीके से आप जानने की कोशिश करें, तो वो हमारे देश के जो संविधान है उसके आर्टिकल 21 के हिसाब से इल्लीगल है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है, उसमें पर्सनल लिबर्टी या प्राइवेसी भी एक चीज़ होती है, उसका उल्लंघन है। देखिए आर्टिकल 19(1) क्या कहता है, उसमें RTI Act भी आता है, वो आपको अधिकार देता है कि आप RTI डाल के किसी भी मैटर के बारे में जान सकते हैं लीगली अपने नाम से, तो जानने का भी अधिकार है। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ पे आप अभी मांगे किसी भ्रष्टाचारी का डेटा मांगे तो आपको नहीं मिलेगा, बोला जाएगा उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो वहाँ आर्टिकल 21 का मिसयूज़ किया जाता है, सेक्शन 81 जो दिखा कि भाई इससे देश को खतरा है, इंस्टीट्यूशन को खतरा है, बता के भ्रष्टाचारी की डिग्री, फर्जी कारनामे, इनकम का ब्यौरा आपको नहीं दिया जाएगा। तो देश में क्या हो रहा है देखना जरूरी है। तो अगर देश के हित के लिए स्पाइंग किया जाता है तो वो ऑथोराइज्ड एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, बट जब इल्लीगल इंडिविजुअल का स्पाइंग किया जाए तो वो देश के हित में कभी नहीं होता है, और वो देश के लेड लॉ से उसका उल्लंघन है। तो 19(1) ये कहता है कि राइट टू फ्री स्पीच है, मतलब आर्टिकल 19 है भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसमें 1(a) कहता है कि फ्री स्पीच,
तो इसमें फ्री वर्ड जो है ना वो थोड़ा टिपिकल है, वो फ्री नहीं है। बोलने की बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है आपको। अगर आपके पास किसी के राज है और आप अगर बिक गए तो बहुत बड़ा सौदा हो जाएगा, पर अगर आप नहीं बिके तो आपके लिए बहुत कीमती अफेयर हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी जा सकती है। सत्येंद्र दुबे का इसमें मर्डर हो गया था, आपको पता होगा, विसल ब्लोअर थे। मैं खुद एक विसल ब्लोअर रह चुका हूँ। IIT गुवाहाटी में ब्रजेश राय रह चुके हैं, हमारे NPCIL में रामप्पा सर है, इरमा में राम मनोहर विकास सर है, और ऐसे कितने लोग हैं, कफिल खान है, आप जानते हैं, कई और भी सोशल एक्टिविस्ट आरटी एक्टिविस्ट है, विसल ब्लोअर, जिनको मैं जानता भी नहीं और देश के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं। हालांकि कई लोग जिंदा है, वो खुशी की बात है अभी अभी तक। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भी सत्येंद्र दुबे के साथ अभी डंप हो गया है, ऐसा माने कुछ साल से, 5-7 साल से, तो उसकी कोई जिक्र ही नहीं हो रही है। तो इस देश में आप कुछ भी बात करिए, शेरो शायरी करिए, धर्म की बात करिए, गाली गलौज करिए, पर भ्रष्टाचार का विरोध या तो सुधार की बात मत करिए समाज में, नहीं तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, है ना। ये नया भारत है भाई। इवन आजकल कुणाल कामरा से पूछे, कॉमेडी करना भी कितना महंगा हो गया है, है ना। मोदी जी मन की बात में कुछ भी बोल सकते हैं, बाकी सबको मन की बात करना नहीं है, उसमें थोड़ा कंट्रोल है, थोड़े रिस्ट्रिक्शन है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, तो ज़्यादातर तो आप देखेंगे हमारे देश के लोग बड़े भले चंगे हैं, जैसे मैं अभी YouTube में कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ज़्यादातर लोग Facebook, Twitter, Instagram कहीं ना कहीं अपने मन की भड़ास निकाल देते हैं, WhatsApp चैट में लगे पड़े हैं। तो लोग मन की भड़ास निकाल दे, जासूसी की जरूरत है ही नहीं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे एंटी नेशनल बोल दो, अर्बन नक्सल बोल दो, गद्दार, जिनके कथनी करने में डिफरेंस है, क्या सोचते हैं क्या करते हैं पता नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ लोगों को पैसा लगा के स्पाइंग करना पड़ता है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने नेशनल सिविल सर्विस डे के ऊपर एक दो वीडियो बनाए थे, उसमें बोला था कि देश में 3 अलग अलग संस्थान होनी चाहिए चेक एंड बैलेंस के लिए, है मतलब जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है। पर अभी जहाँ जो जासूसी का लिस्ट में नाम आ रहा है तो उसमें देखेंगे कि बाकी लोग बहुत कम है, मतलब अभी एक ऐसे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब मिल गए हैं, और जिनकी जासूसी की गई उनको भी किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, मांडवली के लिए किया गया ऐसा लगता है, और ज़्यादातर जोर मीडिया पे है। अच्छा, मतलब पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ के नेता मिले हुए उसमें से कह सकते हैं कि बहुत कम लोगों के नाम है जिनका स्पाइंग किया जा रहा है इससे, या जजगण है मतलब न्यायाधीश जो है, लोग मानते हैं कि भाई अदालत एक न्याय का मंदिर है, अंदर बैठे जज हो भगवान है, मैं नहीं, लोग मानते हैं, तो ये कभी कभी जगते हैं और किसी जर्नलिस्ट को जब जरूरत पड़ती है न्याय की तो कर लेते हैं, और कुछ सामाजिक एक्टिविस्ट मारे भी जाते हैं पर न्याय होता नहीं, सुनवाई होती नहीं है। तो लोगों को सोचना है कि इसलिए उनका लिस्ट में नाम कम है, तो जब बिक गए हैं ऑलरेडी, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, उनकी जासूसी करने की जरूरत ही क्या जो अपने लोग हैं, ये भी एक पहलू है सोचने का। किसान आंदोलन हो रहा है कई महीने से, कोई भी नेता गया क्या किसी को फर्क पड़ता है क्या, किसान क्या करे, कितने आज महीने हो गए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो लोगों को समझना होगा कि मीडिया जो है उसके थ्रू एक बहुत बड़ा परसेप्शन इमेज बिल्डिंग किया जा रहा है, और वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है डेमोक्रेसी में। देखिए, कहते हैं कि डिसेंटर का वॉइस है वो फेयरली लेना चाहिए क्रिटिसिज्म को, बट डिसेंटर का डाटा चुराने के लिए इलीगल तरीके से स्पाइंग किया जा रहा है वो गलत है। ज़्यादातर मीडिया वाले तो देखिए आपको उलझा के रखे किसमें, रिलीजन, फिर बॉलीवुड, क्रिकेट और पॉलिटिक्स, ये 4 के न्यूज़ मिलेंगे आपको, ताकि लोग उसी में उलझे रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान तक चले जाएंगे बाजू में, ताकि लोग उसमें बिजी रहने चाहिए। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात होनी नहीं चाहिए, जो देश को अंदर से खोखला कर रहा है, ऐसे मुद्दे कोई बात कर ही नहीं रहा, कोई रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी आइडिया है नहीं। इवन ये मीडिया वाले जिनका स्पाइंग हो रहा है उनके दिमाग में आप देखेंगे तो ज़्यादातर भगवान का भूसा है, धर्म है, जातिवाद है, तो डेटा लीक भी हो जाएगा तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं होने वाला है। तो गरीब देश में पता नहीं सर्विलेंस वगैरह क्या ज़रूरी है। आप देखिए डे टू डे लाइफ में भी सर्विलेंस हो रहा है, मतलब इसी आर्टिकल 19(1)A और 21 का वायोलेशन हो रहा है। कई लोग 19(1)A के तहत अपने मन की बात कर दूंगे जेल में डाल दिया जा रहा है, कई लोग आर्टिकल 19(1) के तहत RTA डाल के विजिलेंस रिपोर्ट मांग के देखो आप किसी भ्रष्टाचार की कमेटी का या किसी, आपको नहीं मिलेगा। तो वायोलेशन डे टू डे लाइफ में हर एक के साथ भी हो रहा है, पर बोलने वाले लोग कम है। और एक तरफ किसी बड़े आदमी का व्हाट्सएप चैट लीक भी होगा तो क्या कर लिया किसी ने, कुछ नहीं किया, मैटर पूरी दब रही है ऑलमोस्ट। अच्छा, एक हमारे मंत्री जी ने बयान भी दिया है कि भाई भारत अकेला देश नहीं है, 40 से ज़्यादा देश भी इस पैगेस स्पाइवर का यूज़ करते हैं, तो भारत या हमारी सरकार के खिलाफ उंगली क्यों उठाई जा रही। सही बात है, पर देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जो स्वदेशी की बात करते हैं ऐसे लोगों का कहना है कि भाई ये जो जासूसी है वो तो
भारत के लोगों के खून में है, इतिहास गवाह है। अंग्रेज मुट्ठी भर यहाँ आए थे और सालों तक टिक गए इसी जासूसी और गद्दारी के बदौलत लोगों की। तो फिर हद है यार, अपने लोगों को मौका दीजिए पहले। हो सकता है कोई स्वदेशी में मानने वाली कंपनी में तो कहना कॉग्नियंस ले इस चीज़ का, और अगली बार बोले कि भाई जासूसी गद्दारी जो हम लोगों का मतलब स्वभाव है वो तो हम ही करेंगे, बाहर वालों को ठेका देने की क्या जरूरत आपको। आपने सुना होगा ना, कोई कहता अरे यार क्या करते हो अंकल बैठे हुए पूरे दिन, पूरा सीसीटीवी कैमरा की तरह आंखें गड़ी पूरा हमारे घर पे। तो ये तो कॉमन बात है भारत जनमानस में कि जासूसी करना, पीठ के पीछे खंजर मार देने वाला कोई काम करना। तो मोबाइल हैकिंग वही काम है ना, इच्छा के बिना उसके अंदर की चीज़ बाहर ले आना, वही है मन की बात। नहीं तो मुट्ठी पर अंग्रेज इतने साल तक थोड़ी टिकते। तो वसुंधैव कुटुंबकम है इसलिए हम बाहर की कंपनी से टेक्नोलॉजी लेते हैं, बड़े बड़े प्लेन कार वगैरह लेते हैं, टेक्नोलॉजी में उनका सहारा ले, अच्छी बात है। पर जहाँ तक जासूसी की बात हो, अपने लोगों पर भरोसा किया जा सकता है ना, इस पर आप रिलाई कर सकते हैं। और क्या बोलूँगा, यही बोलूँगा कि ज़्यादातर लोगों की जासूसी करके कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला, पता है क्यों? आप देखेंगे हर आदमी के ज़्यादातर लोगों के दिमाग में तो कास्टिज्म, धर्म कर्म का सिद्धांत यही सब भरा हुआ है, इसलिए ज़्यादा इसमें टेंशन ना लें, मस्त रहे, यही कहना था। चलिए इसी के साथ इस बात को समाप्त करूँगा। जय भारत, नमस्ते।